महाराष्ट्र में सीएम उद्धव ठाकरे की तानाशाही खत्म नहीं हो रही है। अभिनेता सुशांत की हत्या के बाद कंगना ने आवाज उठाने की कोशिश की थी, जिसके बाद शिवसेना के नेताओं ने गाली गलौज की। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे ने बीएमसी के साथ मिलकर कंगना का ऑफिस भी तोड़वा दिया था। वहीं कुछ दिन पहले एक नौसैनिक अधिकारी ने उद्धव ठाकरे का कार्टून शेयर किया था, जिसके बाद शिवसैनिकों ने नौसैनिक अधिकारी को मार मार कर अधमरा कर दिया। हालांकि अब उद्धव ठाकरे मुंबई से बाहर के लोगों पर भी नजर रख रहे हैं। अगर कोई भी उनके खिलाफ बोलता है तो तुरंत उसे उठवा लिया जाता है। ऐसा ही एक मामला फरीदाबाद से सामने आया है। जानकारी के मुताबिक यूट्यूबर और मॉडल साहिल चौधरी ने जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी नामक फेसबुक पेज पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पुत्र आदित्य ठाकरे की नकल करते हुए सुशांत राजपूत की हत्या करने संबंधी बातों का वीडियो पोस्ट किया, जिसके बाद उन्हें और उनके पिता महेंद्र चौधरी को कथित तौर पर मुंबई पुलिस उनके फरीदाबाद सेक्टर 19 स्थित निवास से पकड़ कर ली गई है। बताया जा रहा है कि मुंबई में किसी ने साहिल चौधरी के खिलाफ इस वीडियो को देखने के बाद मुकदमा दर्ज कराया था। उधर मामले को लेकर फरीदाबाद पुलिस का कहना है कि उनसे इस बाबत मुंबई पुलिस ने कोई संपर्क नहीं किया, ना ही उनके पास कोई जानकारी है। साहिल चौधरी मुंबई में ही मॉडलिंग करते हैं और लॉकडाउन में फरीदाबाद आए थे और मुंबई पुलिस उनके घर से उनको उठा कर ले गई है। साहिल की गिरफ्तारी पर अब कंगना रनौत भी भड़क गई है। कंगना रनौत ने एक बार फिर महाराष्ट्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। यूट्यूबर साहिल चौधरी की गिरफ्तारी पर आपत्ति जताते हुए उन्होंने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को दुनिया का सबसे नाकारा मुख्यमंत्री कह डाला है। उन्होंने साहिल चौधरी की गिरफ्तारी के विरोध में किए गए एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, मुंबई में ये क्या गुंडा राज चल रहा है, कोई भी दुनिया के सबसे अयोग्य मुख्यमंत्री और उनकी टीम पर सवाल नहीं उठा सकता। ये हमारे साथ क्या करेंगे, हमारे घर तोड़ेंगे और हमें मार डालेंगे। कंगना ने जिस ट्वीट को रीट्वीट किया है उसमें लिखा गया है कि साहिल चौधरी को मुंबई क्राइम ब्रांच द्वारा कथित रूप से 3 दिन की रिमांड पर लिया गया है। ये कार्रवाई कथित तौर पर किसी शख्स के द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर हुई है, क्योंकि साहिल ने सुशांत सिंह राजपूत केस में महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठाए थे, उसे मदद की आवश्यकता है। एक दूसरे ट्वीट में कंगना ने लिखा कि महाराष्ट्र सरकार के कामकाज पर सवाल उठाने पर कोई व्यक्ति अचानक साहिल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा देता है, जो कि उसका लोकतांत्रिक अधिकार है, और साहिल को तुरंत जेल हो जाती है। लेकिन पायल घोष ने अनुराग कश्यप के खिलाफ कई दिन पहले शिकायत दर्ज करवाया है, फिर भी अनुराग आराम से घूम रहे हैं। कांग्रेस पार्टी क्या है ये सब? अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में बिना पूछे कैसे दाखिल हो सकती है और बिना जानकारी के किसी को कैसे उठाकर ले जा सकती है। उद्धव ठाकरे और उनकी सरकार दूसरों पर आरोप लगाती है कि तानाशाही नहीं चलेगी, तो क्या ये तानाशाही नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।